हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सभी। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में सीख रहे थे एक एग्जांपल के माध्यम से आईपीएससी नेमिंग, ठीक है दोस्तों। तो इस वीडियो में मैं भी एक आईपीएससी नेमिंग आपको करके दिखाऊंगा, ठीक है। आईपीएससी नॉमेनक्लेचर करके दिखाऊंगा, एक आपको लाइव एग्जांपल ले लिया हूं आपके सामने ताकि आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। जो हम लोग प्रिंसिपल चेन छांट रहे थे नंबरिंग वाला, ठीक है दोस्तों। तो नंबरिंग में ही ज्यादा प्रॉब्लम होती है, तो प्रिंसिपल चेन पहले हम लोग छांट लेते हैं, ठीक है। सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, प्रिंसिपल चेन छांटना। तो हम लोग प्रिंसिपल चेन छांटने के लिए क्या करते हैं, सबसे लॉन्गेस्ट चेन लेते हैं जिसमें फंक्शनल ग्रुप ज्यादा से ज्यादा आ जाए, ठीक है। तो हमें यही करना है। अब देखिए इसमें लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है। सबसे पहले तो मैं आपको लॉन्गेस्ट चेन छांटना सिखा देता हूं। ये देखिए, ये जो C2H5 लिखा है ना, इसका मतलब आप इसको C2H5 को आप इसको ओपन करके भी लिख सकते हैं CH2CH3, ठीक है। आप इसकी जगह पे ये भी लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और आप इसकी जगह पे ये भी लिख सकते हैं, आपका क्या था, CH2CH3, ठीक है। तो ये आपका बेसिक हो गया। अब हमको लॉन्गेस्ट चेन छाटनी है, इसको हम लोग कट कर देते हैं क्योंकि हमने इसको एक्सपेंड कर लिया है, ठीक है। हमने इसको खोल के लिख दिया, ओपन करके लिख दिया। अब हमें लंबी चेन छाटना है। ये देखिए 1 2 3 4 स्ट्रेट जाने पे फोर कार्बन्स की हमें चेन मिल रही है। अब देखिए 1 2 3 4 5 फाइव कार्बन की चेन मिल रही है। यहाँ पे देख लेते हैं, हमें हमेशा प्राइमरी कार्बन से ही शुरू करना है नंबरिंग, ठीक है दोस्तों। तो ये देखिए 1 2 3 4 फोर कार्बन मिले, हमें इससे ज्यादा भी मिल सकती है, और प्राइमरी कार्बन है। प्राइमरी कार्बन क्या होते हैं, जो एक ही कार्बन से जुड़े होते हैं, ठीक है, एक ही कार्बन से। तो ये है, ये है, ये है, ये है प्राइमरी कार्बन। अब यहां से एक बार शुरू करके देखते हैं, 1 2 3 4 5 पांच ही कार्बन मिल रहे हैं हमें, 1 2 3 4 4 ही मिल रहे हैं। अब देखिए 1 2 3 4 5 6, ये देखिए हमें 6 मिल गई। ये हो गई हमारी प्रिंसिपल चेन। इसको हम लोग क्या करते हैं, एक रेक्टेंगल में बंद कर लेते हैं ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो। ये हमारा कटा हुआ है, ठीक है, इसको हमने एक्सपेंड कर लिया है, इसको हम लोग नहीं काउंट करेंगे। ये हमारी हो गई लॉन्गेस्ट चेन, ठीक है। लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन हो गए, 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गए। अब देखिए 6 कार्बन का एल्क, पहली बात तो एल्क छोड़िए, ये देखिए ये हो गया आपका सब्स्टिट्यूएंट। इसको हम लोग क्या कर लिया, गोले में भर लिया, गोले में बंद कर लिया ताकि हमसे कोई मिस्टेक ना हो, ठीक है दोस्तों। तो 6 कार्बन का एल्क हम लोग क्या लिखते हैं, हेक्स, ठीक है, हेक्स, ये इसका एल्क हो गया। और देखिए देखिए यहां पे नंबरिंग कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए 3 नंबर पे हमें क्या मिल रहा है, 3 नंबर पे हमें मिल रहा है मिथाइल ग्रुप। मिथाइल को हम लोग एम ई से भी डिनोट करते हैं, मिथाइल भी लिखते हैं, मेथिल भी लिखते हैं, ठीक है। 4 नंबर पे हमें क्या मिल रहा है, मिथाइल ग्रुप। फोर नंबर पे हमें क्या मिल रहा है, मिथाइल ग्रुप। अब क्या करेंगे, अब हमें इसका नाम करना है। अभी और देखिए 3 नंबर पे हमें क्या मिल रहा है, ईन। 3 नंबर पे हमें और क्या मिल रहा है, ईन, ठीक है। 3 नंबर पे हमें ईन भी मिल गया, 4 नंबर पे मिथाइल मिल गया, 3 नंबर मिथाइल। अब देखिए 2 मिथाइल है, क्या करेंगे, 3 कामा 4 क्या करेंगे, डाई मिथाइल, ठीक। अब क्या करेंगे, ये हेक्स था, 6 कार्बन का एल्क क्या था, हेक्स था, हेक्स। अब क्या है, 3 पे ईन है, हेक्स 3 ईन। ये हो गया आपका नॉमेनक्लेचर सिंपल सा, 3 4 3 4 डाइमिथाइल, डाइमिथाइल, हेक्स, हेक्स, ठीक। और 3 पे क्या था, ईन था, 3 पे ईन लिख दिया। ये हो गया इसका आईपीएससी नेमिंग। तो आई होप गाइस कि अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि आईपीएससी नेमिंग कैसे करते हैं। मैंने एक एक स्टेप करके दिखाया है, ठीक है, नंबरिंग कहाँ से करेंगे और प्रिंसिपल चेन कैसे छाटेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो यार, सपोर्ट करो चैनल को ताकि आपको और भी लेटेस्ट ट्रिक के साथ अच्छी अच्छी वीडियो आपको मिल सके, ठीक है दोस्तों। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।